संगवारी को अभी मैं आ चुका हूँ नेक्स्ट लोकेशन में, और नेक्स्ट लोकेशन है चारमा से लगभग 2-3 किलोमीटर आ गया हूँ, गिरहोला गांव में। और देख सकता आप मन यहाँ के जो है, ये देख सकते हो जय बूढ़ा देव मूर्ति कला केंद्र करके यहाँ जो है नाम है ना। तो आप मतलब अभी दिखलाने वाला नहीं है कि जो है मूर्ति वगैरह तैयार के हैं उसको, और बातचीत करने वाला हन आप मतलब दिखलाता है ना प्रोग्राम मेरे। ये देख सकते हो संगवारी आप मन, ये देख सकते हो संगवारी यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति तैयार किए गए है। अभी आप मतलब दिखला देता ना, पर बात करबो है ना। ये देख सकते हो तैयार अभी किया जा रहा है, ये देख सकते हो पूरा किस प्रकार से इधर पूरा सेटअप तैयार किया गया है, आप लोग देख ही पा रहे हो है ना। ये देख सकते हो छोटे छोटे मूर्तियाँ हैं इधर गणेश भगवान जी का, ये देख सकते हो है ना, ये देख पा रहे हो मस्त मूर्ति तैयार किया गया है। ये देख सकते हो भाई इधर जो है, नमस्कार भाई। नमस्कार भैया। नमस्कार, कहाँ से हो भैया? मैं हूँ भैया सीधा चारमा। अच्छा, तो कितने साल से मूर्ति बना रहे हो भैया? मुझे हो रहा है भैया वही 8-9 साल हो रहा है भैया। 8-9 साल से बना रहे हैं, ये देख पा रहे हो ना। तो भैया यहाँ के मूर्ति बुकिंग वगैरह हो गई है? हाँ भैया हो गया, अभी अभी चालू हो गया है, बुकिंग बुक हो गया है, आ रहे हैं अभी कस्टमर लोग। अच्छा, तो प्राइस थोड़ा बता सकते हो भैया? ठीक है भैया, बता देंगे ना। तो यहाँ पे जो है पूरा सांचा है, ये देख सकते हो है ना। ये कौन से पास का जगह का है? ये इसका मुंडी का है, ये इसका सीना का है, सीना का छाती, इसका पेट है। अच्छा, ये देख सकते हो छोटी मूर्तियाँ जो होती है वो किस प्रकार से जो है उसका जो है देख पा रहे हो है ना। इस प्रकार से सांचा रहता है, इसके अंदर जो है मिट्टी डालते हैं जी हाँ, उसके बाद जो तैयार होता है। और ये क्या चीज का है? ये उसका पंजक है, उसका हाथ। अच्छा, ये जो है पंजक, हाँ उंगली का जो है सांचा है ना, है ना। यहाँ पे जो है मिट्टी डालकर जो है तैयार कर रहे हैं, ये देख पा रहे हो पूरा आकृति है ना, ये देख सकते हो। ये जो है सिर के पास का है, देख सकते हो मुकुट का बहुत ही अच्छा तरीका से। थोड़ा दिखा दो भैया इसको। ये तो भैया इसमें डालेंगे ना, इसमें मिट्टी लगाएंगे ना, तो इसमें से हेरेंगे ना तो निकलेगा वो पूरा, उसका ढाल बन जाएगा, उसका सांचा का आकार बन जाएगा। उसको बाद निकालने के बाद उसको ना जिसमें मिट्टी बना उसको चिपकाएगा। अच्छा, इस प्रकार से बनाते हैं ना, जैसे देख पा रहे हो है ना। जितना भी आकृति वगैरह आकृति रहता है उसको ना अलग से निर्माण किया जाता है, जैसे कि देख पा रहे हो, उसके बाद जो है मूर्ति में चिपकाया जाता है ना। और ये देख पा रहे हो सांचा रहता है, सांचा हाँ हाँ। इसमें मिट्टी लगाएंगे, इसमें मतलब सबसे पहले इसमें ना हम लोग पाउडर लगाएंगे, उसके बाद ना पाउडर को झर्राएंगे ना मतलब ब्रश से, उसके बाद इसमें मिट्टी लगाने से ना उसको निकालेंगे तो बन जाएगा ढांचा उसकी मूर्ति का। ऐसा है, देख पा रहे हो है ना दोस्तों, इस प्रकार से इसमें पाउडर लगाते हैं फिर मिट्टी डालते हैं। अच्छा, ये जो है 3.5 फीट का जो है सांचा है, देख पा रहे हो आप लोग है ना, इस प्रकार से जो है सांचा रहता है। और ये सांचा का कहाँ से लाते हो भैया आप? भैया इसको हम लोग बनाते हैं भैया रेडीमेड। अच्छा, हाथ से बनाते हो? हाँ, हाथ से बनाते हैं, खुद बना लेते हैं हम लोग। अच्छा, हाथ से ही तैयार कर लेते हैं जो अधिकतर जो है मूर्तिकार है ना। तो भैया का प्राइस कितना है भैया? इसका प्राइस पड़ेगा भैया वही, इसका वही 13-14 हज़ार रुपये पड़ेगा। अच्छा, 13-14 हज़ार रुपये का है? 7 फीट पड़ेगा भैया। हाँ हाँ, देख पा रहे हो है ना, 13-14 हज़ार। ये वाला कितना पड़ जाएगा? वही 8 हज़ार रुपये आपका, 8 हज़ार रुपये का पड़ जाएगा। ये देख पा रहे हो पीछे साइड का जो है सिंहासन का है ना, देख पा रहे हो इधर इस प्रकार से जो है निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे। आप लोग को और दिखलाते हैं दोस्तों है ना। और ये देख पा रहे हो ये पड़ जाएगा आपका वही 6,500 का पड़ जाएगा भैया। 6,500 में इतना अच्छा अच्छा मूर्ति देख पा रहे हो, बहुत 4 फीट का होगा लगभग। और ये देख पा रहे हो सांचा वगैरह है, ये देख पा रहे हो फ्रेंड्स है ना। ये क्या चीज़ है भाई? पाउडर। पाउडर कौन सा पाउडर? चुपरे वाला देख पा रहे हो भाई, ये पाउडर है और इसको जो है सांचा में डाल रहे हैं और मिट्टी अभी डालेंगे। ये देख पा रहे हो मिट्टी को डाल रहे हैं ना, और इधर जो है निकाल चुके हैं, ये देख पा रहे हो। तो अब यहाँ से निकलते हैं फ्रेंड्स अब है ना। यहाँ का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना,
आप लोग को दिखला दिए यहाँ पे जो है चारमा के आसपास जो है किस प्रकार से मूर्ति तैयार किया जाता है उसको देख ही पा रहे हो आप लोग, है ना, ये देख सकते हो। तो यहाँ से निकलते हैं अब। तो संगवारी आज की वीडियो वाले यहीं पे ख़त्म कर देना है ना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दो, और ये दे हमारे भाई वन एवन बहुत ज़्यादा हेल्प करी ना आज की वीडियो ला बनाए वह, है ना, ये भाई है देख सकते हो आप मन। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं संगवारी, मिलता है किसी न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़।